Good morning. Myself, Dr. Anju Ganiwal, Assistant Professor, Sociology, Government Miragas College, Udaipur. आज जिस विषय पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं वो विषय है समाजशास्त्र एक परिचय, सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन. बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समाजशास्त्र क्या होता है. समाजशास्त्र बेसिकली मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और मानव समाज अन्य समाजों की अपेक्षा, अन्य प्राणियों के समाजों की अपेक्षा एक विशिष्ट और अनोखा समाज है. सभी प्राणी सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसके पास संस्कृति है और वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जीवन पर्यंत उसको सीखता है. और मनुष्य अपनी विशिष्ट शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के कारण एक ऐसे जटिल समाज का निर्माण करता है जिसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है. उसके बारे में उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है. सामाजिक विचारकों ने मानव समाज के बारे में अनेक अध्ययन किए और उनकी उत्पत्ति और विकास को समझाया, लेकिन फिर भी समाज के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, उनके प्रकार हैं, दुष्कार्य हैं, उसमें होने वाले सामाजिक परिवर्तन हैं, जिनका अध्ययन किया जाना बहुत ही जरूरी है. और उसके लिए एक विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई जिसे हमने समाजशास्त्र का नाम दिया. सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर ऑफ एवरीडे लाइफ. यहाँ कुछ चार शब्द हैं जिन पर मैं फोकस करना चाहूंगी. फर्स्ट इज साइंटिफिक स्टडी, यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन. किसका? समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रिया का और संस्कृति का. इन सब पहलुओं को हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं. अपने इस अध्ययन के दौरान हम जिन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे वो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले समाजशास्त्र का परिचय, फिर उसकी परिभाषाएं, फिर विषय वस्तु, प्रकृति, विषय क्षेत्र, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध और महत्व. परिचय में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट कॉम्प्ट ने सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया था, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं. और समाजशास्त्र के मुख्य प्रवर्तकों में ऑगस्ट कॉम्प्ट, दुर्खिम, स्पेंसर और वेबर के नाम उल्लेखनीय हैं. कॉम्प्ट और दुर्खिम फ्रांस से हैं और स्पेंसर इंग्लैंड व वेबर जर्मन देश के थे और इन देशों में समाजशास्त्र का प्रारंभिक विकास हुआ. वर्तमान समय में समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं लोकप्रियता का प्रसार अमेरिका में देखने को मिला. हमने देखा कि मनुष्य ने अपने स्वयं के अध्ययन के प्रति रुचि कम दिखाई और प्रारंभ में भिन्न वस्तुओं एवं घटनाओं का अध्ययन जो था वो उसकी रुचि को प्रदर्शित करता था. इसी के कारण प्राकृतिक विज्ञानों का विकास पहले हुआ और सामाजिक विज्ञानों का विकास बाद में हुआ, लेकिन समाजशास्त्र अब तक विकसित सामाजिक विज्ञानों की श्रृंखला में एक अंतिम कड़ी के रूप में आता है. इसलिए आप देख रहे हैं कि पहले प्राकृतिक विज्ञान है और फिर उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का विकास शो हो रहा है. समाजशास्त्र शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द से उसका हिंदी रूपांतरण है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस. सोशियस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज, और लोगस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र. तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र. जॉन स्टुअर्ट मिल जो था उसने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त किया था और उन्होंने इसे दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान बताया था. मुंबई में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को प्रारंभ करने का श्रेय मुंबई यूनिवर्सिटी में पैट्रिक गिडिंस को जाता है, जिन्होंने 1919 में इसको प्रारंभ किया था. गिन्सबर्ग ने अपनी एक डेफिनेशन में बताया कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है. तो गिन्सबर्ग ने अपनी डेफिनेशन में, अपनी परिभाषा में मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों पर विशेष बल दिया कि जो इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शंस हैं, सोशल एक्शंस हैं, वो जो है समाज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए. एलफ वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अतः समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए.
किम्बॉल यंग ने अपने परिभाषा में बताया कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार से संबद्ध है, यानी उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, यानी सामाजिक समूह के लिए जब विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और इसी के आधार पर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अतः सामाजिक समूह अंतःक्रियाओं अर्थात व्यवहारों की एक व्यवस्था है, तो उन सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इंट्रोडक्टरी एनालिसिस के अंदर बताया कि सामाजिक संबंध जो होते हैं वो समाजशास्त्र का एक अभिन्न अंग होते हैं और सामाजिक आगे उन्होंने लिखा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। समाजशास्त्र विज्ञान है। हम जब ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंदर वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेकर उसका अध्ययन किया जाता है तो हम कहते हैं समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो इसमें हम जिन जिन चीजों की स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, सामाजिक समूह सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। अतः समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में इन सब चीजों का अध्ययन करता है। एलेक्स इंकल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी के अंदर समाजशास्त्र के कुछ घटक बताए थे और उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाजशास्त्र की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए तीन पथ बताए, ऐतिहासिक पथ, आनुभाविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। ऐतिहासिक पथ के अंतर्गत प्राचीन समाजशास्त्रियों की जो रचनाएं हैं उनको केंद्र मानकर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र को समझने का प्रयास किया जाता है। आनुभाविक पथ के अंदर ये जानने का प्रयास किया जाता है कि आजकल के समाजशास्त्री किस प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार की समस्याओं को वो ले रहे हैं और उसके लिए कौन सी पद्धति को काम में ले रहे हैं और उनके विचारों का प्रस्तुतीकरण किस प्रकार से हो रहा है। तीसरा था विश्लेषणात्मक पथ। उस पथ के अनुसार ये सोचना होगा कि तर्क के द्वारा किन विषयों को समाजशास्त्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। एलेक्स इंकल्स ने बताया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं तो उनमें अंतःक्रिया होती है और ये जब बार बार अंतःक्रिया करते हैं तो उससे सामाजिक संबंध बनते हैं और इन सामाजिक संबंधों से सामाजिक समूहों का निर्माण होता है और ये सामाजिक समूह कुछ संस्थाओं का निर्माण करते हैं, कुछ कुछ नियम कानून कायदों के अनुसार चलते हैं, कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर संस्थाओं का निर्माण करते हैं और ये संस्थाएं जो है वो समाज में व्यवस्था को बनाए रखती है और फाइनली इन सब चीजों का हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की। विषय वस्तु का तात्पर्य उस निश्चित सीमा से है जिसके अंतर रहकर हम समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न समाजों में अलग अलग भागों में बांटकर स्पष्ट किया है, क्योंकि किसी भी विषय के सभी पहलुओं का अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अतः विषय वस्तु का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है और एक नवीन विषय होने के कारण समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण करने में मतभेद होना स्वाभाविक था और वास्तव में सभी सामाजिक संबंध संस्थाएं और प्रक्रियाएं सामाजिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आती हैं। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को चार भागों में बांटा, प्रमुख चार भागों में बांटा। पहला सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सोशल मॉर्फोलॉजी, सामाजिक प्रक्रियाएं सोशल प्रोसेसेस, सामाजिक व्याधि की सोशल पैथोलॉजी, सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल। सामाजिक स्वरूप शास्त्र में समाज के आकार स्वरूप सामाजिक समूह तथा संस्थाओं अध्ययन किया जाता है जो कि समाज को एक ढांचा निर्माण करते हैं, समाज की एक संरचना के निर्माण में हेल्प करते हैं, समाज का एक फ्रेमवर्क जो होता है जिनके द्वारा बनता है। सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है
जो कि एक प्रक्रिया के रूप में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच में पाए जाते हैं। वो संबंध हो सकते हैं संघर्ष, सहयोग या फिर किसी भी प्रकार का प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, जिस प्रकार के संबंध जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पाए जाते हैं। तीसरा है सामाजिक व्याधि की। इसके नाम से ही पता चल रहा है, व्याधि की यानी कि व्याधि यानी रोग। तो इसके अंतर्गत उन सामाजिक समस्याओं तथा समाज को विकृत करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अपराध, आत्महत्या, गरीबी, बेकारी। और फोर्थ पॉइंट था सामाजिक नियंत्रण। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने साधनों के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जो कि समाज की व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए हम जिन समाज को नियंत्रित करने के लिए जिन कारकों को हम काम में लेते हैं, चाहे वो कानून हो, धर्म हो, परंपरा हो, रीति रिवाज हो, प्रथाएं हो, उन सब कारकों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समझाते हुए बताया, बेसिकली दुर्खिम ने अपने कंसेप्ट में दिया था कि सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक होता है और उस सामाजिक तथ्य का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। सामाजिक तथ्य क्या होता है? तो हमारे कार्य करने, व्यवहार करने का तरीका होता है और जिसको जिसमें जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालता है। और उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि सामाजिक तथ्य में दो गुण पाए जाते हैं, बाह्यता और बाध्यता। तो ये दो गुण जो होते हैं सामाजिक तथ्य के, और सामाजिक तथ्यों की दृष्टि से दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को तीन भागों में विभाजित किया। सामाजिक देहिकी, दैट इज सोशल फिजियोलॉजी, सामाजिक रचनाकार, सोशल मॉर्फोलॉजी, सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। सामाजिक देहिकी के अंतर्गत उन्होंने बताया कि समाज रूपी शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक विषयों और समस्याएं भी समाज का निर्माण करती हैं, तो आवश्यक विषयों और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कानून, भाषा, धर्म, पारिवारिक जीवन, इन सब का अध्ययन सामाजिक देहिकी के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक रचनाकार, इसके अंतर्गत भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, इन सब का अध्ययन किया जाता है। सामान्य समाजशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप को ज्ञात करके कुछ समूह की खोज की जाती है, जिन्हें कि हम अन्य विषयों पर लागू कर सकते हैं या अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए जो महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। कार्ल मानहीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में विभाजित किया, व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र, सिस्टमैटिक एंड जनरल सोशियोलॉजी, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, दैट इज हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। और फिर हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तुलनात्मक समाजशास्त्र और सामाजिक गत्यात्मकता। व्यवस्थित तथा सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत उन कारकों को अध्ययन किया जाता है जो कि व्यक्ति और समाज को व्यवस्थित रखते हैं, सारे वो कारक जो कि समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ऐतिहासिक समाजशास्त्र में जो तुलनात्मक समाजशास्त्र है, उसमें ऐतिहासिक और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक गत्यात्मकता के अंदर समाज में पाए जाने वाले विभिन्न कारकों अथवा संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों की विवेचना की जाती है, कि जितने भी कारक समाज में पाए जा रहे हैं और जो भी संस्थाएं हैं उनका आपस में किस प्रकार के संबंध है, उन सबका अध्ययन सामाजिक गत्यात्मकता के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र की प्रकृति, हम कहते हैं कि बाय नेचर प्रकृति से समाज विज्ञान होता है। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? ये सवाल आपके क्वेश्चंस पेपर में जनरली पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। हम कह रहे हैं कि समाजशास्त्र में अध्ययन के दौरान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लिया जाता है और ये वैज्ञानिक पद्धति विज्ञानों में भी काम में ली जाती है। तो जो विशेषताएं किसी विज्ञान में पाई जाती हैं, अगर वही सारी विशेषताएं समाज को मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस। तो समाज में, विज्ञान में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? सबसे पहली विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति,
यस, वैज्ञानिक पद्धति समाजशास्त्र में भी पाई जाती है। जब हम समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, जो कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है, कि जो भी आपकी स्टडी हो वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो। तो समाजशास्त्र में भी करते हैं, इसलिए समाजशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान में हम क्या है का अध्ययन करते हैं, समाज में क्या चीजें प्रेजेंट है, हम फ्यूचर की बात नहीं करते, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। जैसे कि अपराध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी स्टडी हम लोग विज्ञान में या समाजशास्त्र में नहीं करते। अपराध क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, ये चीज स्टडी हम समाजशास्त्र में करते हैं। यही हम विज्ञान में करते हैं कि जो प्रेजेंट में चीजें चल रही हैं उन विज्ञान में और समाजशास्त्र में किया जाता है। विज्ञान के जो नियम होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यानी जो भी आपने नियम बनाया उसे हम सब जगह पर लागू कर देते हैं। समान समाज में समान कारणों के समान प्रभाव होते हैं। अगर सिचुएशन सेम है तो उन सेम सिचुएशंस में जो आपने स्टडी किया उससे जो रिजल्ट निकला है उसको आप सेम सिचुएशंस में वापस लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवारों में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है, या हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये इस प्रकार के नियम है जो कि सर्वव्यापी है, सभी जगह पर लागू किए जा सकते हैं। दूसरा कि इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, विज्ञान में भी होती है और समाजशास्त्र में भी होती है, कि आज हम जो भी स्थिति देख रहे हैं, हमने कहा कि संयुक्त परिवारों के धीरे धीरे विघटन होता जा रहा है, एकाकी परिवारों में आए हम लोग, एकाकी परिवार जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में हम वापस से संयुक्त परिवारों की तरफ लौट जाएंगे। ये एक भविष्यवाणी है, जो भविष्यवाणी हम लोग विज्ञान के द्वारा कर सकते हैं, हम समाजशास्त्र के द्वारा भी कर सकते हैं। और समाजशास्त्रीय नियमों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा भी संभव है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वैज्ञानिक नियमों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा संभव है। दूसरा, इसके अंदर एक कार्य कारण संबंध पाया जाता है। समाज में भी कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और वैसे ही विज्ञान में भी अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो कार्य कारण संबंध विज्ञान में भी पाया जाता है और समाजशास्त्र में भी पाया जाता है। इन सब चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अब अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति की, तो ऑगस्ट कॉम्ट क्योंकि मानते थे, इसके बहुत ज्यादा समर्थक थे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी। और सी डब्ल्यू मिल्स ने कहा कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा एक माना। क्राफ्ट किस तरीके से माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि समाजशास्त्री जो होते हैं उसी समाज में रहता है जिस समाज में वो अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र को एक व्यवसाय न मानकर एक शिल्प मानना चाहिए, कला माननी चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक कला है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उसी समाज का आप अध्ययन करते हैं। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट की संज्ञा दी थी। फर्स्ट पॉइंट कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, और यदि वह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता भी है तो उस संदर्भ में करता है कि इन प्राकृतिक घटनाओं का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं वो समाज से जोड़कर उनका अध्ययन करता है, और प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में कंटेंट जो है, विषय वस्तु जो है, डिफरेंट है, पद्धति सेम है, पैटर्न जो है उसका, मेथड जो है वो सेम है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्री क्या है, एक सामाजिक वैज्ञानिक होता है। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए, यानी कि आदर्श स्थिति की बात नहीं की जाती, फ्यूचर की बात नहीं की जाती, जो प्रेजेंट में चीजें चल रही हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और विज्ञान होने के नाते भविष्य की आदर्श कल्पनाओं से संबंधित ना होकर वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर आपके निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। जो भी कंक्लूजन हैं वो वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे, इसलिए समाजशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान ना कहकर बीस्ट बियरस्टेड ने वास्तविक विज्ञान कहा। थर्ड पॉइंट इज, समाजशास्त्र विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। यानी समाजशास्त्र का कार्य केवल मानव समाज से संबंधित ज्ञान का संग्रह करना है,
जो भी मानव समाज के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी मानव समाज है उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उसको इकट्ठा करना है, उसको अप्लाई करना नहीं है, उसको लागू करना नहीं है, उस ज्ञान को व्यवहार रूप में उपयोग में लाना नहीं है, क्योंकि विशुद्ध विज्ञान सैद्धांतिक होता है और व्यवहारिक विज्ञान कार्य सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणित करता है। जो भी हमारे सैद्धांतिक ज्ञान है उसको कार्य रूप में परिणित करने का कार्य व्यवहारिक विज्ञान करता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है और समाज कार्य जो है वो एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंदर जो कुछ भी हमने पढ़ा सामाजिक कार्य के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करते फील्ड में जाके लागू करते हैं, उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उपयोग में लाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं। जैसे मैंने कहा था कि मैकाइवर एंड पेज ने कहा था कि समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है और उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और ये सामाजिक संबंध क्या होते हैं, मूर्त होते हैं, जिन्हें देख और छू नहीं सकते, अमूर्त होते हैं जिन्हें देख और छू नहीं सकते, इसलिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में सभी सामान्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विशिष्ट संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता। कुछ विशेष संबंधों का अध्ययन नहीं होने के कारण, सामान्य संबंधों का अध्ययन करने के कारण हम इसको एक सामान्य विज्ञान की श्रेणी के अंदर रखते हैं। और समाजशास्त्र किसी घटना का विवेचन करते समय कारकों को ही महत्व नहीं देते, बल्कि जितने भी कारक जो भी उस समाज के अंदर जो घटना घटित हो रही है उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी कारकों की पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया जाता है, किसी एक कारक पर फोकस नहीं हुआ जाता, उसको किसी एक कारक को महत्व नहीं दिया जाता। समाजशास्त्र का लास्ट पॉइंट है कि तार्किक और अनुभव सिद्ध, कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है और तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा ये जानने का कोशिश की जाती है कि जिन भी तथ्यों को हम शामिल कर रहे हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत, समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान, वो सारे के सारे सामाजिक तथ्य जो हैं उनको हम तर्क के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना जरूरी है। इसके साथ साथ समाजशास्त्र अनुभव सिद्ध भी है, कुछ सामाजिक तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम तर्क के द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते, वहां पर हम लोग अनुभव देते हैं, तो वहां अनुभव जो होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि नैतिकता, लोकाचार, जनरीतियां, प्रथाएं, परंपराएं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में कहा कि यहाँ पर विशेष क्षेत्र का जो हम स्टार्टिंग करते हैं कि इसका विशेष क्षेत्र क्या होना चाहिए, तो वहां पर एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में कहा कि समाजशास्त्र एक परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्षेत्र का अर्थ बेसिकली उन संभावित सीमाओं से होता है जिनके अंदर रहकर किसी विषय का अध्ययन किया जाता है, और समाजशास्त्र विषय के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्री जो थे उनके अंदर मतभेद पाए जाते थे, इसलिए दो संप्रदायों का निर्माण। परिवर्तनशील समाज का अध्ययन है, दो संप्रदाय हैं, पहला है समन्वयात्मक संप्रदाय और दूसरा है स्वरूपात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक थे हाबहाउस, दुर्खीन, सोरोकिन, इंकल्स, और इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान ना मानकर एक सामान्य विज्ञान माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि समाज के संबंध में अगर हमको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए समाज के क्षेत्र को हम कुछ सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, उन तक सीमित नहीं कर सकते। इन्होंने समाज की तुलना एक जीवधारी से की थी, इन्होंने बताया कि जिस तरह से जीवधारी के विभिन्न अंग होते हैं वो सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर उन पर निर्भरता पाई जाती है, और किसी एक अंग में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरा अंग उससे प्रभावित होता है। ठीक इसी प्रकार से समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है,
विभिन्न इकाइयां परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है और किसी भी समाज के किसी भी एक इकाई में भाग में होने वाला परिवर्तन दूसरे भाग या इकाई को प्रभावित करता है। अतः विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंध को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि समाज के एक भाग में होने वाले परिवर्तनों को दूसरे भाग में पड़ने वाले प्रभावों को तो समाज शास्त्र के अंदर समाज के किसी विशिष्ट अध्ययन सामाजिक संबंधों के विशिष्ट अध्ययन की बजाय सभी सामाजिक संबंधों का सामान्य अध्ययन किया जाना चाहिए। समाज का अध्ययन सामान्य दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, संपूर्ण समाज का सामान्य दृष्टिकोण से अध्ययन होना चाहिए। सभी समाज के अंदर जितनी भी इकाइयां हैं उनको उतना ही विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, किसी एक विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सामाजिक संबंधों के सिर्फ स्वरूपों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा संप्रदाय था स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसके समर्थक थे सीमेल, वीरकांत, वॉन विच, मैक्स वेबर तथा टॉनीज। इनके अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करने वाला बना दिया जाता है तो उसका वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। उस स्थिति में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। ये मानते कि सब सारे के सारे आपने किसी भी प्रकार के सामाजिक संबंध है उनको आपने अध्ययन के अंदर रख लिया, जितनी भी विषय वस्तु सबको आपने अध्ययन में रख लिया, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हर चीज को वैज्ञानिक आधार पर प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको एक बॉर्डर लाइन खींचनी होगी कि समाजशास्त्र जो है उसके अंतर्गत उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो अतः समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर जो भी सभी प्रकार के सामाजिक संबंध है उनका अध्ययन ना करके विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए और सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय का नाम दिया गया। समन्वयात्मक संप्रदाय में जैसे मैंने आपको बताया था कि सौरोकिन, दुर्खिम, हाव हाउस, इंकर्स, इनके योगदान रहे, तो सबसे पहले हम सौरोकिन का जो योगदान है उसको डिस्कस करेंगे। सौरोकिन ने कहा था कि कुछ सामान्य तत्वों का अध्ययन जो कि सभी विज्ञानों में पाए जाते हैं, क्योंकि हम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मान रहे हैं। सौरोकिन समन्वयात्मक संप्रदाय के अंदर समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान की कैटेगरी में रखा गया था। तो उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक विज्ञान किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। किसी भी सामाजिक विज्ञान को हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडिविजुअल है, ये अपनी विषय वस्तु के लिए, अपने विषय क्षेत्र के लिए किसी दूसरे विषय पर आश्रित नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सारे के सारे सामाजिक विज्ञान जो है वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं और किसी भी सामाजिक विज्ञान को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं जो कि सभी सामाजिक विज्ञानों में पाए जाएंगे, जैसे कि आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, मनोवैज्ञानिक संबंध है। तो इन्होंने ए बी सी करके तीन सामान्य तत्वों के रूप में बताया कि ये कुछ सामान्य तत्व हैं जो कि सभी सामाजिक विज्ञानों में पाए जाते हैं और समाजशास्त्र के अंदर इन्हीं सामान्य तत्वों का किया जाना चाहिए। दुर्खिम भी समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे, लेकिन इनके अनुसार पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाया जाना चाहिए ताकि ये अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके और उसके बाद सामान्य विज्ञान बनकर अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में समन्वय स्थापित कर सके। पहले अपने नियम बनाएगा और फिर दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध स्थापित करेगा। अतः दुर्खिम ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सामाजिक तथ्यों के, सोशल फैक्ट्स के अध्ययन पर जोर दिया। सामाजिक तथ्य जो होते हैं उनमें सामूहिक चेतना होती है और उसके बाद सामूहिक प्रतिनिधान आ जाता है और ये प्रतिनिधान जो होता है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर समाज के अंदर बहुत बड़ा समूह कुछ कहता है तो धीरे धीरे सोशल फैक्ट बन जाते हैं और उन्हीं सोशल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आपसे व्यवहार करने की अपेक्षा है। तो उन सोशल फैक्ट्स की स्टडी समाजशास्त्र के अंतर्गत की जानी चाहिए। और दुर्खिम ने कहा था कि समाजशास्त्र क्या है, सामूहिक प्रतिनिधानों का
विज्ञान है, अतः इसके अंतर्गत समाज को अगर समझना है तो उसके लिए सामूहिक प्रतिनिधानों को अच्छे से समझना जरूरी है। हॉबहाउस जो था उसने बताया कि समाजशास्त्र के अंतर्गत अन्य सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना, कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो है उनको सर्च आउट करें, फिर उसका जनरलाइजेशन करना कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पाए जाते हैं। स्थायी व परिवर्तनशील कारकों का अध्ययन करना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्थायी हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो परिवर्तनशील हैं, उन दोनों फैक्टर्स की स्टडी हम समाजशास्त्र के अंदर करेंगे। और विकास की प्रकृति का अध्ययन करना कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वो भी समाजशास्त्र के अंदर स्टडी की जाएगी। और सामान्य तत्वों, क्षेत्रों, पक्षों का अध्ययन करना, जैसे मैंने अभी बताया कि विभिन्न समाजशास्त्रों के अंदर, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंदर पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का अध्ययन इसके अंतर्गत, समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत सिमेल जो थे उनके अनुसार सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के अंदर उनका अपना एक स्वरूप होता है और एक अंतर्वस्तु होती है। स्वरूप इज फॉर्म, अंतर्वस्तु इज कंटेंट, जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फॉर्म इज डिफरेंट एंड कंटेंट इज डिफरेंट, स्वरूप अलग है और अंतर्वस्तु अलग है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि सहयोग, अनुकरण, प्रतिस्पर्धा, ये सारे के सारे स्वरूप हैं, और राजनीतिक संघ, धार्मिक संघ, ये सारी अंतर्वस्तु हैं। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें इन स्वरूपों का अध्ययन करना है, अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करना है। वीरकांत ने मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, जैसे कि स्नेह, प्रेम, घृणा, ये सारे के सारे चीज जो है वो सामाजिक संबंधों का आधार होती है। किसी भी सामाजिक संबंध का आधार प्रेम हो सकता है, स्नेह हो सकता है, घृणा हो सकता है। इन सभी सामाजिक मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। और इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंकीय स्वरूपों का अध्ययन है जो कि मानव को एक दूसरे से बांधते हैं। ये सारे मानसिक संबंध ही हैं जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधने का कार्य करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंदर ही वॉनवीज जो था उन्होंने मानवीय संबंध के, मानव संबंधों के स्वरूपों या सामाजिक प्रक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन करने पर जोर दिया था। और उन्होंने कहा था कि मानव समाज के 650 स्वरूपों का वर्णन के दौरान कि मानव समाजों में 600 सामाजिक संबंधों के अंदर 650 प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं, और ये कह सकते हैं कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। बिना सामाजिक संबंधों के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते, और समाजशास्त्र में समाज का ही वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है। मैक्स वेबर जो थे उनके अनुसार यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र जो है वो अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत नहीं कर सकते। अतः वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया का, सोशल एक्शन का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। अब सामाजिक क्रिया क्या होती, क्योंकि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसमें समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान माना है, इसलिए सामाजिक संबंधों का अध्ययन ना करके विशिष्ट प्रकार के सामाजिक अध्ययन, संबंधों के अध्ययन पर जोर दिया। और उसमें भी उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन की स्टडी की जानी चाहिए। अब सामाजिक क्रिया क्या होती है, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करता है, दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं और ये टकराना या मिलना अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है, तो सामाजिक क्रिया कहलाती है। और इसी सामाजिक क्रिया से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। अतः हमें ऐसी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जो कि अर्थपूर्ण हो और साथ में एक दूसरे का व्यवहार उन दोनों का प्रभावित हो। अतः कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कराने का प्रयास करता है, उसको बताता है कि किस प्रकार के सामाजिक संबंध हैं, अगर वो सामाजिक क्रिया के आधार पर बने हैं तो उनका अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। अतः हम कंक्लूड कर शास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक व्यवहारों का अवलोकन करना,
सामाजिक व्यवहारों का अवलोकन करना, व्याख्या करना एवं तर्क तथा अनुभव से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। समाज से संबंधित अनेक बातें होती हैं जिनका अध्ययन करने के लिए अनेक विभिन्न प्रकार के विज्ञानों और विषयों का आविष्कार किया गया, उनका विकास किया गया। आर्थिक बातों के लिए अर्थशास्त्र होता है, राजनीतिक बातों के लिए राजनीति शास्त्र होता है, मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान होता है। इन सभी विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य अलग अलग है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान मानव समाज के कुछ विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करते हैं, विशिष्ट दृष्टिकोण से करते हैं। अतः इनमें पर होना भी स्वाभाविक है कि किस प्रकार का संबंध इनके अंदर पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये सारे आपको दिख रहे हैं सब्जेक्ट्स जिनके साथ में समाजशास्त्र का संबंध पाया जाता है। इन्हीं इस सारे सब्जेक्ट्स में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को यूज किया जाता है। ये दूसरे सब्जेक्ट जो है उनमें से भी यूज किया जाता है, समाजशास्त्र भी करता है और ये सब्जेक्ट भी समाजशास्त्र से करते हैं, इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। कि शिक्षा शास्त्र जो है उसके अंदर समाजशास्त्र विषय के कुछ आस्पेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा शास्त्र को भी हम लोग अपने समाजशास्त्र के अंदर यूज करते हैं। राजनीति शास्त्र के अंदर राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है तथा राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राजनीति शास्त्र कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। और वर्तमान एक नवीन शाखा के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र जो है उसका तेजी से विकास हो रहा है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो जो कंटेंट हम लोग पॉलिटिकल साइंस में यूज करते हैं वही उसमें से कुछ कंटेंट हम लोग सोशियोलॉजी में यूज करते हैं और जो कंटेंट हम सोशियोलॉजी में यूज करते हैं उसमें से कुछ कंटेंट हम पॉलिटिकल साइंस में यूज करते हैं। तो दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। बिना राजनीति शास्त्र के हम समाजशास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के अंदर राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैसे ही बिना समाजशास्त्र के हम राजनीति शास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बिना समाज के आप राजनीति कहां करेंगे। राजनीति के लिए समाज की जरूरत है और समाज के लिए राजनीति की जरूरत है, राज्य की जरूरत है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वैसे ही विधि शास्त्र के अंदर लॉ कानून का अध्ययन किया जाता है और प्राचीन काल से आप जानते हैं कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून का सहारा लिया जाता था। पहले कानून अलिखित रूप में होता था, बाद में लिखित रूप में आया। तो हम कानून की उपयोगिता को समाजशास्त्र के अंदर नकार नहीं सकते और वैसे ही कानून या विधि शास्त्र के अंदर समाजशास्त्र की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। समाज नहीं होगा तो हम कानून की कल्पना नहीं कर सकते और कानून नहीं होगा तो हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियां जो होती हैं सदैव एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। हम बिना सामाजिक परिस्थितियों के आर्थिक क्रियाओं की बात नहीं कर सकते और बिना आर्थिक क्रियाओं के सामाजिक क्रियाओं को इमेजिन नहीं कर सकते। तो आर्थिक क्रियाएं और सामाजिक क्रियाएं दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सब्जेक्ट जो होते हैं, विषय जो होते हैं, वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। कोई भी सामाजिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करेंगी और आर्थिक क्रियाएं सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करेंगी। आप देख लीजिए, अगर किसी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है तो समाज का विकास बाधित होगा और जहां पर समाज जो है वो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा विकसित नहीं हो रहा है, किसी भी आर्थिक क्रिया करने के लिए भी आपको एक समाज का विकसित होना जरूरी है, सामाजिक वातावरण का होना जरूरी है। मानव शास्त्र और समाजशास्त्र, क्रॉबर ने इनको जुड़वा बहने कहा था, क्योंकि मानव शास्त्र में हम मानव के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक पद्धति से और समाजशास्त्र में हम समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं। एंड मैन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिना मानव के हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते और बिना समाज के हम मानव की कल्पना नहीं कर सकते। मानव को अगर अस्तित्व में रहना है तो उसके लिए समाज बहुत ही जरूरी है। समाज के बिना मानव अस्तित्व में नहीं रह सकता। अतः दोनों सब्जेक्ट जो हैं, दोनों विषय जो हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं, इनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं का जाता है तथा समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
अब हमारे किसी के साथ के सामाजिक संबंध किस प्रकार के हैं डिपेंड करता है हमारी मानसिक स्थिति पर, और किसी की मानसिक स्थिति कैसी है डिपेंड करता है उसके सामाजिक वातावरण पर। अगर सामाजिक वातावरण अच्छा है तो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, और अगर मानसिक स्थिति अच्छी है तो संबंध सौहार्दपूर्ण होंगे। तो मानसिक स्थिति और सामाजिक संबंध दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। उसी प्रकार से मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जननांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या के विविध आयामों का अध्ययन किया जाता है, और उसके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू जो होता है उस पर विशेष फोकस किया जाता है। उसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंदर भी हम जनसंख्या के महत्व को नकार नहीं सकते। बिना पॉपुलेशन के, बिना जनसंख्या के हम समाज सकते, और समाज के विकास में जनसंख्या एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। अतः जननांकिकी और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा बेसिकली समाज कल्याण के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से संबंधित है। समाजशास्त्र के अंदर हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे हम समाज सेवा में इम्प्लीमेंट करते हैं। जो कुछ भी ज्ञान हमने समाजशास्त्र के द्वारा प्राप्त किया है उसे समाज के विकास के अंदर व्यवहारिक रूप से काम में लाया जाता है, और व्यवहार रूप में काम में लिए जाने के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और उसको व्यवहार रूप में लाने के बाद उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसका जो व्यवहारिक पहलू है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाज सेवा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो समाज सेवा और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाजशास्त्र का महत्व, अभी हमने अपने पूरे लेक्चर में समाजशास्त्र का परिचय, उसकी परिभाषाएं, उसे उसका विषय क्षेत्र, उसकी नेचर, प्रकृति, विषय वस्तु, और उसके बाद विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ उसके संबंध, इन सब का अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि समाजशास्त्र का इम्पोर्टेंस कितना है। क्योंकि समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, और समाज को समझने के लिए, समाज के विकास को जानने के लिए समाजशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। तो उसका इम्पोर्टेंस जो है उसको हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है विभिन्न संस्थाओं की व्यक्ति विशेष के विकास में भूमिका का अध्ययन। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो उससे सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, और संबंध जो है वो सामाजिक समूहों के निर्माण में योगदान देते हैं, और जब समूह किसी विशेष उद्देश्य को लेकर कार्य करते हैं तो संस्थाओं का निर्माण होता है, और ये संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष के विकास में क्या भूमिका अदा करती हैं इसका ज्ञान जो होता है वो हमें समाजशास्त्र के द्वारा ही हो सकता है। तो समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उस कंसर्न में कि समाज के अंदर जो विभिन्न संस्थाएं व्याप्त हैं उन संस्थाओं का व्यक्ति के विकास में क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या वो व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, तो वो संस्थाएं एग्जिस्ट रहती हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो संस्थाएं खत्म हो जाती हैं। डिपेंड करता है उनके रोल पर, उनकी भूमिका पर, और उसी भूमिका का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो समाजशास्त्र ये बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है समाज को समझने व नियोजित विकास में। आपको ये समझना है का है, सरल समाज है, आदिम समाज है, जटिल समाज है, आधुनिक समाज है, औद्योगिक समाज है। अगर आपको किसी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो आपको समाजशास्त्र के द्वारा ही हो सकती है। और दूसरा उसका नियोजित विकास करने में, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार के समाज के विकास की बात कर रहे हैं। तो आपको जिस भी समाज का विकास करना है सबसे पहले उस समाज की आवश्यकता को देखना जरूरी होगा, उस समाज की सामाजिक परिस्थितियों को देखना जरूरी होगा, उसके बाद ही आप एक नियोजित विकास कर सकते हैं। तो किसी भी समाज को समझने में और उसके नियोजित विकास में समाजशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है सामाजिक समस्याओं के निराकरण में। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सोशियोलॉजी का कि समाज में जो भी समस्याएं पाई जाती हैं उन समस्याओं का निवारण, निराकरण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न समाजशास्त्री समाज में पाए जाने विभिन्न
विभिन्न समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं और अध्ययन के द्वारा ये पता लगाते हैं कि इन समस्याओं के पीछे कारण क्या है, कौन से रीजंस हैं जिसके कारण ये समस्या समाज के अंदर व्याप्त हो रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बाल अपराध हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर क्राइम हो, चाहे बेकारी हो, बेरोजगारी हो, कोई भी समस्या जो कि समाज के अंदर दहेज हो, ये समाज में व्याप्त है, तो उसके पीछे कारण क्या है और इन कारणों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। आज भी बहुत सारी समाज में समस्याएं जब आती हैं तो समाज शास्त्रियों की मदद ली जाती है ताकि उस समस्या को सुलझाया जा सके, समाज के अंदर व्यवस्था को बनाया जा सके। तो सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समाजशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव की उपयोगिता एवं उपलब्धि को समझने, मैंने कहा मैन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मानव समाज का एक अभिन्न अंग है, तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है, रोल उसका यूटिलिटी क्या है उस मानव की, कि अगर किस तरह का हम जब बोलते हैं कि ये समाज बहुत विकास कर रहा है, अभी हम कह रहे हैं कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, युवा जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन हमारे भारत देश में ज्यादा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है दैट मीन्स वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, और वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां समाज का विकास ज्यादा होना चाहिए। तो मानव की उपयोगिता और उसकी उपलब्धि को समझने में समाजशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानव संस्कृति की रक्षा करने में, समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा मनुष्य को समाज के में रहने के योग्य बनाया जाता है, और संस्कृति बेसिकली हमारे व्यवहार करने के तरीके होते हैं, हम किस तरह से खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दैट ऑल इज आवर कल्चर। तो उस कल्चर को हम समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, और ये संस्कृति जो होती है संरक्षित, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संरक्षित होती है। हमारी जो सो कॉल्ड बहुत ही जो प्रिमिटिव कल्चर है, उस कल्चर को प्रिजर्व करने के अंदर सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि समाजशास्त्र के द्वारा हमें पता चलता है कि किस समाज की क्या संस्कृति है और उस संस्कृति को किस प्रकार से संरक्षित रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के अंदर नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो होती है उनके समाधान के अंदर भी समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि रेट ऑफ हैप्पीनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो इंडिया के अंदर काफी कम है और फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी काफी कम देखने को मिल रहा है, तो उस हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए आजकल योगा एंड मेडिटेशन बहुत ज्यादा काम में लिया जा रहा है, और योगा बेसिकली हमारे भारत की प्राचीन परंपरा रही, समाजों के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे ज्यादा मान्यता मिली है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि उनके हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के अंदर भी समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और व्यवसाय के रूप में एज अ प्रोफेशन सोशियोलॉजी में बहुत सारे स्कोप है, IITs के अंदर भी सोशियोलॉजी समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, NGOs में समाजशास्त्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर उनको रखा जाता है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जॉब ऑप्शंस होते हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में सोशियोलॉजी का होता है, जनगणना के अंदर सोशियोलॉजिस्ट को काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के रूप में भी समाजशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन?